खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों। भोपाल, मध्य प्रदेश में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच सरकार ने आज बजट पेश किया। मोहन सरकार ने प्रदेश के सभी वर्गों के लिए बड़ी घोषणाएं तो की हैं, लेकिन विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए पीछे नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस बजट को दिवालिया सरकार का बजट बताया है। जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट है वह 80,000 करोड़ रूपये के घाटे का बजट है। इस सरकार का कर्ज क्राइम और करप्शन से अपना गहरा नाता जुड़ा है। सरकार चाह रही है कि कैसे पैसे डाले और कैसे करप्शन करे, लूट के हिस्से में सबका हिस्सा हो। मध्य प्रदेश सरकार का आज बजट आ रहा है, पीसीसी बतौर क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश सरकार के दो बजट हैं। एक बजट है जो सरकार को जनता को बताना है, जो 80,000 करोड़ रुपए के लगभग घाटे का आएगा। आप देखो कि ये 3C की सरकार, जिसने कर्ज क्राइम और करप्शन से अपना गहरा नाता जोड़ा है, उसका एक बजट तो है व्यापम, नर्सिंग, परिवहन, माइनिंग, पटवारी, ट्रांसफर, आबकारी, मास्टर प्लान और मेट्रो। इसमें कैसे पैसे डालें और कैसे करप्शन करें, लूट के हिस्से में सबका हमारा हिस्सा बने, ये एक हिस्सा इस सरकार का 3C का एक हिस्सा है। दूसरी तरफ जैसा मैंने पहले भी कहा कि 3,79,000 करोड़ रुपये के कर्जे में हमारी सरकार, 45,000 करोड़ रुपया हर वर्ष आपको सिर्फ देनदारियां देनी होती थी, ब्याज और आपकी देनदारियां, 90,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त चाहिए इसलिए कि लाडली बहना के 1200 रुपये देने हैं। 90,000 करोड़ रुपया, यानी बजट में इसका प्रोविज़न रखेंगे तो वो पैसा आएगा कहाँ से? वो या तो मोदी सरकार की रहमोकरम से, या संपत्तियाँ बेच के, या कर्ज लेके। पर कर्ज रिजर्व बैंक ने मध्य प्रदेश सरकार को लेने का मना कर दिया है। हमारी साख इतनी घट गई है, तो हालात सर्वविदित है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि रोजगार और बजट का बहुत गहरा रिश्ता होता है। 37,000 पंजीयन थे पिछले साल 2023-24 में, जो 37,00,000 पंजीयन में से 2,00,000 लोगों को रोजगार मिले सरकार का उत्तर है, वो भी प्राइवेट सेक्टर से, सरकारी एक भी नहीं मिला। इसका मतलब है कि विज्ञापन और इवेंट जो पिछले 5 साल से चल रहे थे उसका क्या असर हुआ, ये सरकार ने उत्तर दिया कि हम अकर्मण्य थे। अब चूंकि 10,00,000 पंजीयन ही समाप्त हो गए, बच्चे कहाँ गए पता ही नहीं, पंजीयनों का जो आधार था वो संख्या घट गई, मतलब ये सरकार फेल हुई रोजगार देने में। तो उस पर फोकस करने के लिए सरकार के बजट की गति क्या होनी चाहिए, ये मोहन सरकार कितना करेगी ये बजट आने के बाद पता चलेगा। रामायण और गीता जैसा वचन पत्र, जिसमें 3,000 रुपये बहनों को देना था, जिसमें 3100 धान के, 2700 गेहूं के, 450 का गैस सिलेंडर, महंगाई से राहत, उसका क्या हुआ? फ्री शिक्षा बच्चों को, लैपटॉप, स्कूटी, फिर परिवार के वो लोग जिनको मुफ्त शिक्षा के साथ छात्रवृत्ति, सब पेंडिंग है। सरकारी कर्मचारियों की, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की 3-3, 4-4 महीने की तनख्वाहें नहीं दे पाते हैं। तो कुल मिलाकर इस बजट का जो मूल सार है वो 3C का है, और मैं सोचता हूँ कि लगभग 80,000 करोड़ रुपए का घाटे का बजट लाएंगे, 90,000 करोड़ रुपए इनको एक्स्ट्रा चाहिए जो केवल लाडली बहना को आपको रखना है, और करप्शन इनको कितना कहाँ से करना है उसका अलग बजट बनेगा जो मैं बता चुका हूँ, और जो देश की जनता को, प्रदेश की जनता को आँखों में धूल झोंकेंगे वो अलग बजट बनेगा। तो ये कर्ज क्राइम और करप्शन की सरकार है, ये लूट की छूट की सरकार है, ये घाटे के बजट लाने वाली सरकार है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हर साल उसी बजट को रिमेप फिर से बताकर घाटे का बजट पेश करने वाली सरकार है। अच्छा, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है, इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि पुरानी कोई भी योजना बंद नहीं होगी और नया टैक्स कोई भी नहीं लगाया जाएगा, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैंने जैसा कहा कि नया टैक्स नहीं लगाएंगे और पुरानी योजना चलती रहेगी, तो क्या कारण है कि बच्चों को लैपटॉप नहीं मिले, क्या कारण है कि छात्रवृत्ति के पैसे बच्चों के खाते में नहीं गए, क्या कारण है कि जो किसान परिवार के लोग हैं जिनको 3100 के धान के दाम मिलना था वो नहीं मिला, क्या कारण है कि 2700 के गेहूं के दाम नहीं मिले, 3,000 बहनों को कहा था 1200 में क्यों टरकाया जा रहा है, वोट तो 3,000 के नाम पर लिए थे, 450 के गैस सिलेंडर का क्या हुआ,
ये वित्त मंत्री जी इस तरह की बात करके ये कहते हैं कि अद्भुत अकल्पनीय, आंखों में आंखें झूठ डाल के झूठ कैसे बोला जाता है, वो बोला। इंदौर की घटना होती, 5 एक्सपायर करते हैं बच्चे। बजट जो होता है उसका रिश्ता होता है रोजगार से, लोगों के सुख सुविधा से, लोगों की भूख से। हालात क्या है मध्य प्रदेश के, 5 बच्चे इंदौर में मृत्यु हुई, इसलिए कारण पता चले पेट में अनाज नहीं पहुंचा, खाना नहीं पहुंचा, इसलिए मौत हुई। अलीराजपुर में गरीबी के कारण एक पिता ने उसकी पत्नी को, उसकी 9 साल के बच्चे को, उसके 7 साल की बच्ची को और 3 साल के 4 साल के बच्चे को, सबको मौत के घाट उतार दिया, आत्महत्या कर ली। क्या था कारण? गरीबी। यानी इस सरकार का असली चेहरा, इस बजट का असली चेहरा रोजगार नहीं है, रोजगार एक भी नहीं दिया, किसानों को वचन पत्र पूरा नहीं किया, बच्चे भूख से इंदौर में मर रहे हैं, माता पिता आत्महत्या कर रहे हैं अलीराजपुर में, हालात और किसान कर्जदार है, अद्भुत अकल्पनीय। तो इस बजट का मूल सार है। हाथरस में जो घटना घटी, बड़ी पूरे देश को उद्वेलित करने वाली घटना है, पूरे मृतक हैं उनको तो श्रद्धांजलि है ही, पर परिवार को भी संबल मिले इसकी हम मनोकामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पर अल्टीमेटली इतना बड़ा कांड, 130 लोगों की मौत का कौन जिम्मेवार है, ये प्रश्न तो बनता है। तो 130 लोगों की मौत का जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ मोदी योगी सरकार है, इस्तीफा देना चाहिए। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon.